हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आपने सोचा होगा मैं ये चश्मा पहन के क्यों बैठी हूँ गाइस, क्योंकि मैं अभी नेटफ्लिक्स में मूवी देख रही थी, वेब सीरीज देख रही थी। तो ये ग्लासेस सिर्फ मतलब स्क्रीन टाइमिंग के लिए है, क्योंकि आँखों में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि रिसेंटली अभी मैं नेपाल गई थी तो कुछ दिनों से ना हेडेक हो रहा था मुझे, मतलब सर दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो आई टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये आई के वजह, क्योंकि अभी होता है ना बहुत समय से मैं ज़्यादा मोबाइल पे टाइम गुजारने लग गई थी। तो चेकअप कराया, वैसे तो आँखों का जो भी प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं है, टच उड कुछ नहीं है उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा। विराटनगर में मतलब बहुत फेमस आई डॉक्टर है, डॉक्टर तपाड़िया, तो वहाँ जाना था। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ हम भी टेस्ट करवा लेते हैं। तो टेस्ट करवाया, पहले तो बहुत डर गई थी, वो मतलब प्रोसीजर से लेके जाते हैं ना, पहले वो क्या क्या चेक करते हैं, तो डर भी लग रहा था कहीं भाई लिटा वेटा के आँख में ऑपरेशन मतलब वगैरह ना कर दे। मतलब मैं मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन वगैरह ना लगा दे। क्योंकि जब जिस रूम में मैं गई थी, फर्स्ट हम मतलब आँखों का पिक्चर लिया गया, देन आफ्टर सेकेंड रूम में भेजा गया, वहाँ पर ना नर्स के पास इंजेक्शन वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आप तो इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगाओगे? तो उन्होंने नहीं मैम कुछ भी नहीं करना है, बस मैं आपका बीपी चेक करूँगी। देन उन्होंने बीपी चेक किया, फिर मैं मैम के पास गई, डॉक्टर तपाड़िया के पास। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल खुला हुआ है एंड और बहुत ही नोन डॉक्टर है, तो जो नेपाल से होंगे उनको पता ही होगा। तो फिर टेस्ट किया तो उन्होंने कहा आपका आई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंडीशन में है, और चश्मा खोल के बात करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आईज बहुत अच्छा है, बस मोबाइल देखते समय आप एक ये जो पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके आईज में प्रेशर नहीं पड़ेगा। और एक ड्रॉप दिया है जिसको लगा के सोने के लिए, तो मैं अभी ड्रॉप तो नहीं लगा रही हूँ, बट हाँ चश्मा मेरे पास पहले से था। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी, तो सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। मैंने ये पार्सल मंगाया है कुछ अपने लिए, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। स्टैंड देखे है क्या? मोबाइल रखने का मेरा एक स्टैंड था, वही तो मिल ही नहीं रहा हमको। हाँ वो कहीं घुसा दिया होगा, तो स्टैंड रहने से ना इजी हो रहा था वीडियो बनाने में, भी हो नहीं रहा। तो अभी दो सेकंड रुकिए मैं आपको बैठा, हाँ देख लीजिए वो बिल रख दीजिए ऊपर, पेपर भी मिल गया, अब तो वो भी आ गया। फीसा देखिए पूरा गंदा है, फीसा पूछ रहा है तो फिर अभी मैं आप सभी कुछ भी कल नहीं, कल तो शनिवार है ना। वेट, आप लोग बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मैंने शॉप का कलेक्शन का वीडियो डाला था, अगर अभी तक नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है। और कल भी एक ब्लॉग आएगा, वो साड़ी का रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या पार्सल मंगवाया है, तो अभी दिखाती हूँ। तो पहला ये है, इसको मैंने फाड़ लिया था चेक करने के लिए, रहा नहीं जाता पार्सल आने के ना, आने से रहा नहीं जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है गाइस बताना मुझे, तो मेरे से वेट नहीं होता है। और देखिए मैंने मेरा मंगलसूत्र मतलब खोला था, पहनना भूल गई हूँ, मंगलसूत्र है गोमजी के पास, क्योंकि जहाँ गई थी वहाँ मुझे पहनना नहीं था, मैंने खोल के गोमजी को दे दिया और उनके पॉकेट में रह गया, और वो जाके अपने शॉप में रख दिए। तो वो बोल रहे हैं कि लेके जाके पहन लो, मैंने बोला नहीं उतरा है तो आप ही पहनाओगे, तो देखते हैं मेरे पति देव को कब फुर्सत मिलता है। तो ये ना ऑर्गेनाइज़र बॉक्स है, कपड़ा ऑर्गेनाइज करके रखने में ईजी रहता है। एक्चुअली मुझे फोल्ड करने में बहुत परेशानी होती है, और छोटे छोटे जो चीज़ है ना वो गुम हो जाता है, मिलता ही नहीं है। मतलब मिलता है वो बहुत सही। तो ये चार पीस का सेट आया है, मैंने कॉम्बो मंगवाया था, फोर पीस का ये कॉम्बो है। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से है बॉक्स है, और इसमें पार्टीशन दिया हुआ है, तो आप जैसे ना छोटे छोटे टी शर्ट्स हो गए, अंडर गारमेंट्स भी रखना हो तो रख सकते हैं, और मुझे तो लग रहा है मैं इसमें सैंडल भी रख सकती हूँ, मेरे पास जैसे वो सैंडल आएगी इसमें। हाँ इसको सैंडल रख के फिर आप इस तरह से ऊपर अलमीरा में मतलब जहाँ पे मतलब जैसे मुझे ये क्लोजेट में रखना है, ओपन क्लोजेट में, तो उसमें भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से है और साइज़ भी ठीक है, इसमें कितना कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें 8-10 तो आराम से, इसमें कंपार्टमेंट का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसमें आप आराम से 2-3 टी शर्ट डाल सकते हो।
जीन्स दुपट्टा, कई बार छोटे छोटे स्टफ जो है मिस मतलब वो हो जाते हैं, जैसे लेगिंग्स हो गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चार पीस का सेट है, रेड एंड ब्लैक कलर में है, तो सारा का साइज सेम है, बहुत अच्छा क्वालिटी में है। ये मुझे कुछ 400 पड़ा था फोर पीस का। आप लोग भी मंगा सकते हो। मुझे एक चीज़ का माइनस पॉइंट लगा, ये जो एरिया है ना, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, हाँ देख सकते हो कितना थिन है, तो ये बहुत ज़्यादा थिन दिया हुआ है। मुझे लगता है बार बार इसको तानने करने में घिस सकता है, और मैं इस पर आइडिया लगा रही हूँ कि मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दूँगी अंदर से, तो ये ज़्यादा अच्छे से टिकेगा, क्योंकि ये ना बहुत पतला है। ये जो झोला का बैग का फैब्रिक होता है ना, क्लोथ फैब्रिक, उस तरह का फैब्रिक है, तो फटने का चांसेस ज़्यादा है। हाँ, या तो आप एक जगह पे इसको रख दो तो सही है, बार बार अगर आप इसको ऊपर नीचे करते तो फट सकता है। तो मैंने सोचा है इसको इसके नीचे मैं कार्डबोर्ड लगा दूंगी। वैसे ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी में है, रीजनेबल है, बहुत अफोर्डेबल है, और जब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्या होता है ना, मेन तो हस्बैंड के कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो इसमें आराम से शर्ट टी शर्ट आ जाएंगे। तो ये फोर पीस का कॉम्बो है, मैं आपको प्राइस नीचे मेंशन कर दूंगी मैंने कितना में लिया, पर समथिंग 400 का है। तो और एक चीज़ दिखाती हूँ, और एक चीज़ मैंने लिया, हट जाए क्या, दो मिनट रुके गाइस। तो अभी बज रहे हैं 1:15 बज रहा होगा, अभी मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर में घर जाऊँगी। हन्नू का स्कूल से आने का टाइम होता है 3, और 3 बजे वो आ जाता है, फिर मैं उसको लंच वंच करवाती हूँ, थोड़ा सा उसको रेस्ट करवा के फिर मैं 5 बजे शॉप आती हूँ। तो जो 3 से 5, 5:30 का है टाइमिंग, उसमें शॉप क्लोज होता है, बहुत जनों को कन्फ्यूज़न रहता है ना, तो आप लोग, और कल तो पूरा दिन ही खुलने वाला है, कल तो पूरा ही दिन खुलेगा, कल की उसका छुट्टी है। और खाना भी बन चुका है, खाना में क्या क्या बनाया है मैंने आज क्या बनाया है, गोभी आलू का भुजिया, चावल दाल, और बनाया है आलू का चोखा, हन्नू को बहुत पसंद है, और बनाया है रात के लिए बैंगन का सब्जी। सब कुछ रेडी है, बस जाना है चावल गरम गरम बनाना है। ओ नहीं नहीं, चावल भी आज बन गया, तो भूल ही गई थी, चावल ही बन गया था। तो चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू गाइस टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड कमेंट करके बताना आपको ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स कैसा लगा। और ये देखिए, ये मैंने मंगाया है बेल्ट, ये 3 पीस का सेट है, ये आपका, मुझे एक वाइट भी चाहिए था, बट वाइट के बदले ये ब्राउन में आ गया, बट कोई नहीं, ब्राउन भी अलग ब्राउन, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, आपको दिखाती हूँ, ये आपका डार्क ब्राउन है, एंड ये आपका थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, एंड दिस इज़ ब्लैक। और तीनों का बक्कल देखिए कितना अच्छा, इसको बक्कल बोलते हैं हमारे में, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, बक्कल ही बोलते होंगे। तो ये स्टाइल करने के लिए, हाँ तो ये स्टाइल करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे स्टाइल करना है मुझे। तो ये मेरा स्टैंड होता तो बढ़िया रहता, तो ये ना इस तरह से ड्रेस वगैरह पहन के आप इस तरह से थोड़ा सा, जैसे कॉर्ड सेट वगैरह हम पहनते हैं ना, तो वो सिंपल ना लगे, तो इस तरह से आप इसको स्टाइल कर सकते हो, ड्रेसेस में भी काम आ जाते हैं, प्यारा लग रहा है ना गाइस। तो ये क्या होगा, स्टाइलिश भी लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है। हाँ वो फेंक दीजिए, तो गेट बंद कर दीजिए। तो ये इस तरह से है, बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला है, ये मैंने मीशो से मंगवाया है, ये भी मैंने मीशो से मंगवाया है। तो ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छा है, और आप लोग भी मंगवा सकते हैं। इसका प्राइस समथिंग 400 अराउंड था, मैं यहाँ नीचे लगा दूँगी। तो दो चीज़ और आई हुई है, बट वो घर पे है, देखते हैं वो आता है तो। मैं ज़्यादातर जो भी पार्सल होता है मैं शॉप में ही मंगवाती हूँ, क्योंकि शॉप में ही रहना होता है, तो देखते हैं जैसे ही आता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बाकी आप लोग बताना। और ये बॉक्स आप लोग भी मंगवा सकते हो, बहुत यूज़फुल है, थोड़ा सा जो मैस जो क्रिएट होने से बच जाता है, अलमीरा में कभी कभी छोटे छोटे चीज़ ना इधर उधर घुस जाते हैं। और मैंने दो मंगवाए, एक वॉच के लिए मंगवाया है बॉक्स, क्योंकि वॉच एंड ब्रेसलेट ऐसा चीज़ है ना, वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्रेसलेट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मेरे पास, अभी कम से कम 7-8 ब्रेसलेट होंगे,
जो कि बहुत डेलिकेटेड, बहुत मतलब उसको अच्छे से रखना होता है, उस अच्छे से रखने के चलते उसको पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना ये अलग अलग बॉक्सेस में होते हैं, कब क्या चाहिए नहीं मिलता है, तो मैंने एक प्रॉपर बॉक्स मंगवाया है, तो उसे मैं अच्छे से अपने वॉचेस एंड ब्रेसलेट रखती हूँ। वॉच तो मेरे पास ज़्यादा नहीं, बहुत पहले ही वॉच पहनती थी, बट अभी रिसेंट 2 साल से या कहो तो लॉकडाउन के बाद से वॉच पहनना कम कर दिया है, पर भी मेरे पास 2-3 वॉच है, एक स्मार्ट वॉच है, एक नॉर्मल, 2 गोल्डन वॉच है, एक सिल्वर वॉच का क्रेज़ है। अब देखते हैं किसी को गिफ्ट देना है तो गाइस दे देना सिल्वर वॉच। तो जो कपाट इस ब्लॉग को यहीं पैंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, चैनल में नए हो गए तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ढेर सारा प्यार देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स में आप सभी के लिए आऊँगी, मिलते हैं फिर नए दिन नए ब्लॉग के साथ, बाय।